Hey guys, this is me, Hadia Faisal. Welcome to our another vlog. So guys, चले आज का vlog शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रखेंगे। तो आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज जो है वो मामू की बर्थडे है, 22 सितंबर। और अभी जो है वो हम लोग नानों के यहाँ पे जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ और हया फातिमा जा रही है, बस हम दोनों जा रहे हैं अकेले। और उसका भी व्लॉग दिखाऊंगी कि मैं किस तरह जा रही हूँ वगैरह। और हया फातिमा को मैं बोला मम्मा आप उसको रेडी करो, जब तक मैं जो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज है जुम्मे का दिन और अभी जो है वो हम लोग थोड़ी देर पहले मदरसे से आए थे, अंदर उसके बाद हम लोग ने जो खाना वगैरह खाया वगैरह वगैरह। और अभी तो बहुत देर हो चुकी है, दोपहर का टाइम है। हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ के कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए और वहाँ पर जाके जो है वो आप लोग को पता तो होगा, मम्मा ने बहुत दफ़ा ये रीज़न बताया होगा कि हमारे यहाँ पर गाइस मीठा पानी नहीं आता और मेरे बाल मीठे पानी के बगैर नहीं साफ़ होते। तो मुझे जो है वो नानों के यहाँ जाना है, और हया फातिमा भी नानों के यहाँ जाके ही नहाती है। तो हम लोग को नानों के यहाँ जाना है, तो मैं चलती हूँ नानों के यहाँ और आप लोग कहीं नहीं जाइएगा। और हाँ गाइस, सबसे मेन बात जो कि मुझे आप लोग को बोलनी है, गाइस अगर आप लोगों ने हमारा चैनल और मेरा और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जाए जाके हमारे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। एंड टेक केयर, बाय। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नानों के यहाँ जाते वक्त। बाय गाइस, मैं जो हूँ वो पहुँच चुकी हूँ नानों के घर पे। और अभी जो है वो हया फातिमा गई हुई है नहाने और वो बहुत ज़्यादा रो रही है गाइस। और है बाबा जो है वो हया फातिमा के लिए एक गिफ्ट लाए थे और वो बाबा ने घर पे नहीं डायरेक्ट नानों के यहाँ पे दिया था, मुझे अभी पता चला। गाइस ये देखें, ये जो है वो न्यू टॉयज, ये टॉयज आए थे और ये पैक थे पूरे, जैसे ही दो तीन दिन से हया फातिमा पैक से ही खेल रही थी, ठीक है। और जैसे ही ये मैंने देखा तो मैंने इसको फ़ौरन से ओपन कर दिया। हया फातिमा खेलते खेलते ही खड़ी हो गई, इसके कपड़े वगैरह सब ऐसे ही है। और चलो मैं आप लोग को एक और चीज़ हया फातिमा के कपड़े और मेरे कपड़े दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और आप सब की दुआएं हैं और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप लोगों को जान व माल से ज़िंदगी भर कभी भी किसी का मोहताज ना करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज जो है वो हम गए थे हमारे बर्थडे बॉय मतलब कि हनी भाई का जो है वो बर्थडे था। हर साल हनी भाई का बर्थडे तो हम मस्ट मनाने जाते ही हैं भैया। और जब पहले भी मेरी शादी से पहले भी अम्मी ने हमेशा उनका बर्थडे सेलिब्रेट ही किया है, मैंने तो बस कभी केक काटा स्कूल में, कभी कॉलेज में इस तरह, लेकिन हनी भाई का बर्थडे तो हमेशा हमने सेलिब्रेट किया है। तो आज भी हम लोग जो है वो हनी भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए निकले हुए थे और हस्बैंड जो है वो ड्यूटी पे गए हुए थे तो वो नहीं आ सके थे टाइम पर। बाकी हम जो है वो सब गए थे पीपल्स स्क्वायर, बहुत से लोगों को पता होगा कराची में रहने वालों को बहुत ही ज़बरदस्त जगह है और अच्छी जो है वो आउटिंग हो जाती है वहाँ पर। तो हया फातिमा तो बहुत ज़्यादा मज़े में थी, घूम रही थी, क्योंकि पहले वो बहुत डरती थी राइड वगैरह से, लेकिन अब तो बहुत खुश हो रही थी। तो अब खुद से जो कह रही थी कि मुझे भी जो है वो राइड में बिठाएं। और जाते ही सबसे पहले तो भाई हादिया के फ़्राइज़ स्टार्ट हो जाते हैं कि मुझे फ़्राइज़ खाने हैं। उसको फ़्राइज़ इस कदर पसंद है, कहीं पर भी मिल रहे हो मुझे बस आप फ्रेंच फ़्राइज़ दे दो, मम्मा मुझे फ़्रेंच फ़्राइज़, बस उसका यही होता है। फिर हया फातिमा को जो है वो राइड पर बिठाया था और काफ़ी खुश हो रही थी वो और बहुत इंजॉय कर रही थी। मैंने कहा ये वही हया फातिमा है जो अभी 6 महीने पहले जब हम लोग गए थे तो टिकट भी हमें वापस करनी पड़ी थी क्योंकि वो बैठी ही नहीं, रो इतना रही थी। लेकिन इस दफ़ा तो इसने सारे जो है वो इंजॉय किया वहाँ पर। हमारे एक अली भाई होते हैं तो उन्होंने जो है वो हमें राइड फ्री दी थी, तो हम लोगों ने जो है वहाँ पर हादिया हया ने जो है वो खूब वसूल किया था फ्री राइड को। और वैसे वहाँ फ्री नहीं होती, वो जानने वाले थे तो इसलिए उन्होंने फ्री दी थी, तो इस वजह से वो जंपिंग वगैरह सब उसने फ्री की। और यहाँ पर हनी भाई हाजिया ये लोग बॉलिंग में कौन जाएगा तुम टेंशन लेने जरूरत है दादी के लिए बच्ची चौका चौक सिखाई दे माशाल्लाह ये बच्ची चौका खा रही है बोली कि नहीं खाएगी खाएगी कि नहीं खाएगी पानी लाओ पानी दो दो पापा को पानी दो मोबाइल खराब है मैं मम्मी तो घर नंडा मैं तो कहता अन्ना मैं दोस्तों ने गिफ्ट कर दिया था
मैं पैसे दे रही हूँ। हाँ तू लेकर दे, तू आइस मॉक्स लेकर आ। आइस मॉक्स धुआं निकलता मुठा में। ओहो हो मेरी बारी भी, मेरी भी, मेरी भी। अच्छा है कुछ नहीं, ये वेफर है बस। मैं खाली वेफर चाहिए, मैं बेटी को हिला लूंगी। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं निकला। हादिया धुआं तो खत्म हो रहा है इसका। कितने का लिया? 200 का। अभी दिखाओ नाक पे से निकल। ₹200 का लेके आए भाई। आगे अपने पैसों से लेके जा। हाँ निकला 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 धुआं निकला। दे दे खाली बिस्किट, दे खाली बिस्किट दे। ले लो एक आखिरी। ये तो वो हेलेडोस की आइसक्रीम में भी होता है धुआं। अरे खत्म हो जाएगा वो तो। मम्मा नाक से निकलना, कुछ और ना निकल है। So guys, हम लोग जो है वो पीपल स्क्वायर पहुंच चुके हैं। अभी मैं और हैवर में वाले झूले में बैठे हुए, और ये है अफातमैन। ठीक है गिरी जॉइन मजा आ रहा है। कैसे टिक 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 टिक? नहीं नहीं नहीं, ये शबान लो, देखो ये शबान लो, बशा इसे पकड़ लो। नाना अंकल पापा अंकल पापा अंकल को बोलो स्टार्ट करने से पहले बोलना पापा मेरा पर्स आपके पास है। पापा मेरा पर्स आपके पास है गाइस। वी आर वेरी एक्साइटेड है ना। ये पापा मेरे चली गए, तो बस खेलने में मसरूफ इन चीजों से। क्या कर रहे हैं यार ये गाइस? बच्चे ना कि कोई बच्चे बच्चे रह गए उनकी वजह से। और हमने जो है गाइस प्राइस वगैरह जाकर देखे, ये चीज है बहुत ज्यादा ना ठीक समझ लग रहा है। ये बच्चे बहुत ज्यादा दिमाग के जो लोग वापस मार के घूम रहे हैं। चलो जी बहुत अजीब सा फील हो रहा है। पापा अभी खाना नहीं देते, ये पानी वगैरह पियो। सोते हैं खुद को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं टेढ़ी बैठी हूँ, मैं गिर जाऊँ। और ये बाजी मेरे ऊपर हंस रही है मैडम साहिबा। ऊपर जा रहे और ऊपर जा रहे भाई। हेलो पापा आर यू वेरी आई एंजॉय पापा। जो बच्चा आ रहा गाइस आप लोग देख सकते हो। दुपट्टा बांधना, आपको राइड में मजा आया? हनी मैम को बोले हैप्पी बर्थडे। झूले में मजा आया? किसका बर्थडे? मामा का। मामा ये खा ले, चल आजा आजा ये खाए। आपा तो माना उकाई दे। अलाव खावा ये हनी मामू का। हनी मामू छुरी दे। हनी मामू काटो छुरी यार। मामा हाँ दे, मामा दे रहे दे रहे। क्या करीब कर रहे? इसको भी लेके जाओ, इसको भी लेके जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामू। ला मैं खिला रही हूँ, तू आ जा वीडियो बना। मैं ऊपर ही हूँ। अल्लाह मेरे को भी वो तो चॉकलेट वाली है। वाले मैंने है यार, नहीं बोली तू बोल। हम मेरी भी बात ना भाई, मैं दूसरा भी नहीं लेना। नहीं यार मेरे को वो नहीं लेना। ले भाई मैं मेरा 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 मैं 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 खाई थी। हां मैं जा जा दिखा ले, खा ले खा ले खा ले। टेन फोन है कमेंट किया वो ऑफ है। बाल देखो आपके कैसा है। डाउन टाई ये 2% का ये
है और 4 बजे का ये वाला। अरे फिंगर विंगर तो मिली आप। अच्छा आते ही ना पहले सबसे पहले चाय की तलब होती है, कहीं पर भी जाए मेरी और हनी भाई की और अब्बू की आदत है कि हम लोगों को चाय मस्ट चाहिए। चाय वाय पीने के बाद हम लोग फारिग हो गए थे। केक हम लोगों को मतलब सबको इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं है, तो वॉफिल जो है वो हनी भाई से हमने कहा केक तो आप नहीं कटवा रहे तो चलो वॉफिल काटते हैं, कभी हम लोग पिज़्ज़ा कटिंग करवा लेते हैं। बर्थडे है, बर्थडे में कुछ तो चाहिए ही होता है, तो हम लोग जो है वो केक ज़्यादा शौक से कोई भी नहीं खाता, तो हम लोग जो है कभी पिज़्ज़ा कभी क्या ये सब जो है वो कटिंग करवाते रहते हैं और जो खाते हैं वही लेते हैं फिर। और यहाँ पर जो है वो मेरे राइड की वो टिकट वगैरह ले रही थी कि हया हादिया और हादी तीनों को जो है वो दोबारा से बैठना था उस राइड पर, तो मैंने इस राइड की जो है वो टिकट मैंने कहा आप तो टिकट लो भाई, तो इस दफ़ा तो मैंने टिकट लेके इन लोगों को बिठाया और मज़े से ये लोग जो है वो बहुत इंजॉय कर रहे थे बच्चे इस राइड में। ये है कि घर के करीब है तो अच्छा लगता है, बच्चे भी हैं जो इंजॉय कर लेते हैं और लाइट जाने का इतना लंबा कोई हमारा टाइम होता है, कोई 4 से 5 घंटे हमारी लाइट नहीं होती है, तो इजीली बंदा जो है वो घर के करीब है तो चला जाता है। वैसे हम लोग हाइपर वगैरह और वहाँ जाते हैं हमेशा हनी भाई का बर्थडे जब भी सेलिब्रेट करते हैं और 1 दिसंबर में हनी भाई की एनिवर्सरी पर जाते हैं तो वहाँ उस तरफ ही निकलते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कि चलो यहाँ चलते हैं। प्लेटर हम लोगों को काफ़ी टाइम से खाना था तो मैंने कहा हम थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे फिर इसके बाद प्लेटर इन्जॉय करेंगे। और यहाँ पर ये देखें भाभी को भी जो है वो गन शूट करना था तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे, बस फ्री में करने मिल रहा था तो बस कर रहे थे ये लोग भी और इन्जॉय कर रहे थे अपना। फिर इसके बाद जो है वो हम लोग निकल गए थे बंस रोड के लिए। ये देखें रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल की आमद है तो कितना ज़बरदस्त सा सजाया गया है बंस रोड, तो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने सुना होगा बहुत ही ज़बरदस्त जगह है कराची की, हर चीज़ यहाँ मिल जाती है खाने पीने की गर्ज़ की कोई भी चीज़ हो। फिर हम लोग जो है वो प्लेटर हाउस गए थे, हनी भाई को मैंने कहा था कि यहाँ का प्लेटर बहुत ज़बरदस्त होता है, हम लोग 2-3 मरतबा जा चुके हैं तो मैंने हनी भाई से कहा हम लोग यहाँ चलेंगे यहाँ मज़े का प्लेटर होता है। तो बंस रोड पर जो है वो वहाँ पर भी प्लेटर हाउस था और पीपल्स स्क्वायर पर भी था, लेकिन हमने कहा कि वहाँ चल के खाते हैं थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी उस तरफ, और दूसरा ये कि वहाँ पे आइसक्रीम्स वगैरह बच्चों को खानी थी और मुझे काफ़ी टाइम से ना लस्सी पीने की बड़ी तलब हो रही, तो मैंने कहा मैंने तो भाई लस्सी लेनी है तो चलो उस तरफ ही चलते हैं। इरफान मामू को फ़ोन लगाओ, माँ इरफान मामू को फ़ोन लगाओ, जो जो फ़ोन लगा कोल्सलो मायो रोल चिकन बर्गर कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक आम आछे ये ध्यान रखो। हां मैंने एक आ ने आओ तुम लोग 600 वाली मंगाई 700 वाली मंगाई 700 वाली मंगाई तुमने जिंगर बर्गर आए वो थे रोल बीफ बर्गर भाई। अच्छा बीफ बर्गर तो क्यों बीफ से हां बीफ से जिंगर पे एक वो मोटी बोली वाली मंगाई जिंगर से सही है रोल अच्छा हम लोग जैसे ही खाना खा के बाहर निकले मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो मेरी नज़र देखें किस पर पड़ी और हादी तो भाग कर गया।
जी जनाब, मिशकात खान हादी बहुत देखता है, इतना कोई फ़ैन है कोई, जब देखो तब इनकी ब्लॉग ही देखता रहता है। फिर हम लोग तो हेलोडोस की तरफ आ गए थे और हादी जो है वहाँ पर मज़े से अपनी तस्वीरें वस्वीरें निकलवा कर आया और हादिया का रोना स्टार्ट हो गया कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे भी तस्वीर खिंचवानी थी उनके साथ। लेकिन आए दिन जो है बंस रोड पर जो है वो सारे ब्लॉगर्स आते रहते हैं, लेकिन इतफाक़ से आज जो है वो हादी को अपने फेवरेट ब्लॉगर को देख के बड़ी खुशी हो रही थी। फिर हमने तो मैंने तो आइसक्रीम नहीं खाई, भाभी और अम्मी सॉरी अम्मू ने और बच्चों ने खाई, और हनी भाई ने बोला कि मुझे तो कुल्फ़ा लेना है। फिर जनाब हम लोग पहुंच गए लस्सी की शॉप पर, यहाँ पर हम लोगों ने लस्सी ली, यहाँ की बड़ी फेमस लस्सी होती है। मैंने मम्मी से कहा बहुत दिनों से मेरा दिल है, प्लीज़ मुझे लेकर दें लस्सी आप, तो अम्मी ने अपने लिए और मेरे लिए लस्सी ली यहाँ से, और फिर उसी के साथ हम लोग जो है वो घर की तरफ रवाना हो गए। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मेरे भाई के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।